हेलो सैजटेरियस हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप फ्रॉम फिफ्थ अक्टूबर से लेके बारह अक्टूबर तक एंड सजेरियस मतलब जो लोग बाईस नवम्बर्स एंड ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर के बीच में जिनका बर्थ हुआ है दोज आर सैजटेरियस सो बेसिकली ये है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल एंड एनर्जी रीडिंग्स एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि पर्सनल लाइफ में आप अभी जो सिचुएशन में है वो आप क्वाइट कंटेंटेड हो क्वाइट फूडफिल्ड हो आपने ये जो, जो मकाम पे आप पहुँचे हो वहाँ पे आप बहुत मेहनत करके पहुँचे हो आपने एक एक पाई आपकी मेहनत से जमा की हुई है एंड यू आर इन अ सच अ सिचुएशन जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजिशन में पहुँच गई हूँ या पहुँच गया हूँ अब मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय द मोमेंट फॉर नाउ एंड देन थिंक कि मुझे क्या करना है आगे आप प्रोफेशनली सो पर्सनली आप काफ़ी संतुष्ट हो आप प्रोफेशनली एक स्टक सिचुएशन में हो बहुत ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो बहुत ही स्टक हो और सोच रहे हो कि अब आगे आपको क्या करना है सो यू फील दैट यू डोंट हैव अ वे आउट आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है फिलहाल एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी योर प्रेशराइज बाय योर सीनियर्स या तो आप सीनियर मैनेजमेंट के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हो या बिजनेस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो आप शेयर होल्डर से दबे हुए हो या फिर आप मैनेजमेंट से दबे हुए हो या एम्प्लॉइज से दबे हुए हो कोई तो चीज़ ऐसी है जो आपको बांध के रख रही है और आप फ्रीडम खुले से आपका काम नहीं कर पा रहे हो सो यू आर इन अ फिक्स अभी फिलहाल नाउ ये सिचुएशन से आप बहुत ही जल्द बाहर आ जाओगे क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज़ है बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ है यू आर अ फाइटर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो यू आर अ फाइटर एंड यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ही हाई है सो so ये पूरा वीक जो आपका है वो काफ़ी पर्सनल लाइफ में कंटेंटेड है सेटिस्फाइड है फाइनेंशियली uh, कंटेंटेड है लेकिन आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मत हो जाना क्योंकि uh, ऐसे सिचुएशन में जनरली हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं पैसे को बांध के रखना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है सो so आप थोड़ा सा एन्जॉय कीजिए रिलैक्स हो जाइए प्रोफेशनली आप थोड़ा सा स्टक हो बट आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट अ वे आउट क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आप जो भी बंधन में हो प्रोफेशनली यू विल कम आउट ऑफ इट फॉर श्योर एंड स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक प्रोकेस्टिनेशन स्टेज पे मत रहिए पर्सनली कि हाँ ठीक है हो जाएगा कर लूँगा कर लूंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको मेहनत करनी है ये स्टेज ऐसी है जो आपको प्रोफेशनली बहुत ही स्टक फील करवाएगी और आपको ऐसा लगेगा यार मैं पहले कर लेता या कर लेती तो अच्छा होता सो so, पढ़ाई आप टाइम पे कर लीजिए ऑल्सो आपकी जो पोजीशन है फिलहाल आप एक अच्छे स्ट्रेंथ पोजीशन में हो एनर्जी में हो जो आप सोचोगे जो आप ठानोगे वो आप कर लोगे तो so, प्लीज आप कर लीजिए डो नॉट डिले थिंग्स डो नॉट प्रोकास्टिनेट क्योंकि जो अब है वो आप कर सकते हो बाद में बहुत लेट हो जाएगा सो हैव अ ब्लेस्ड वीक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ लेट्स मीट नेक्स्ट वीक प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड आपको कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछिएगा सी यू बाय